नमस्कार, इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। हमारे साथ बेहद खास मेहमान हैं, मनोज तिवारी जी, दिल्ली बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष, सांसद भी हैं और साथ ही हमारे साथ हमारे अपने सहयोगी भी हैं, मारियश अकेले, मनोज भारती, जया कौशिक। और आज ये विशेष कार्यक्रम हम शुरुआत कर रहे हैं चुनाव के इस मौसम में, और दिल्ली से ही कर रहे हैं क्योंकि दिल्ली की चर्चा सबसे ज़्यादा इन दिनों पूरे देश में हो रही है। वो चाहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जेल जाना हो या बीजेपी का लगातार उनके ऊपर हमला बोलना। मनोज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस खास पेशकश में। आपसे इस बात से शुरुआत करते हैं कि आपके जो मुख्यमंत्री हैं, यानी दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, वो जेल में हैं। आम आदमी पार्टी कहती है कि वो वहीं से सरकार चलाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जेल में हैं और अपने कर्मों से हैं, अपने भ्रष्टाचार के कारण हैं। इसमें भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ इतना रोल है कि भारतीय जनता पार्टी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस अपनाती है। कोई भी करप्शन करे, इवन मनोज तिवारी करेगा, तो उसे भी वही सामना करना पड़ेगा जो आज अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उनके सत्येंद्र जैन या और भी जो आगे आतिशी, सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक, ये सब जो नाम वो लोग खुद अब देना शुरू किए हैं। आप ये खुद आप मतलब फहरिस्त आप बढ़ाते जा रहे हैं? ये नहीं, हमने नहीं बढ़ाया, ये तो अरविंद केजरीवाल जी ने बढ़ाया। अच्छा, पता नहीं क्या हुआ कि शराब घोटाला में आतिशी जी का नाम और सौरभ भारद्वाज का नाम अरविंद केजरीवाल ने डाल दिया और आतिशी जी ने राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक का नाम डाल दिया। उनका ये मेरी नहीं, उनका ये अनाउंसमेंट है कि हम और सौरभ भारद्वाज जाएंगे और साथ में राघव चड्ढा और दुर्गेश पाठक जाएंगे। पता नहीं ये सूचना है या धमकी है, वो आपस में जाएंगे। तो अगर आतिशी, जो उन्होंने कहा कि अगर आतिशी या सौरभ अगर आ जाएं भाजपा में तो फिर नहीं जाएंगे? ऐसे लोगों की भाजपा में क्या आवश्यकता है? अशोक चव्हाण को अपने रास्ता दिया, बहुत सारे ऐसे लिस्ट बहुत सारे लोग आए हैं। आए हैं, बहुत लोग आए हैं। कांग्रेस तो कहती है कि ये बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है, इसमें जो भी आता है धुल जाता है, उसके सारे पाप धुल जाते हैं। नहीं, कोई धुलता नहीं है, सबको अपनी बेगुनाही साबित करनी पड़ती है, उसके लिए लड़ना पड़ता है। हमारे यहाँ तो लालकृष्ण आडवाणी जी भी अपनी बेगुनाही के लिए लड़े हैं, इस्तीफा दे के लड़े हैं। मदनलाल खुराना जी थे दिल्ली के, यशस्वी मुख्यमंत्री रहे, वो भी लड़े। तो हमारे यहाँ कोई बीजेपी ज्वाइन करे, अगर मान ली किसी का मन कर गया तो ज्वाइन करते हैं लोग, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आपका गुनाह ख़त्म हो जाता है। कोई वॉशिंग मशीन जैसी है कि इधर से आलू डाला उधर से सोना निकल गया, ऐसा कुछ नहीं है। आपको अपनी बेगुनाही सिद्ध करनी पड़ती है। हाँ, हम ये मानते हैं कि आरोपी और दोषी दोनों में बड़ा अंतर है। दोषी जो सिद्ध हो गया वो भाजपा में निरस्त। लेकिन ये भी तो है कि जितने लोग ज्वाइन किए हैं उसमें से 21 लोगों के 23 में से मामले बंद कर दिए गए। और जो आपने आडवाणी जी का नाम लिया, तो एक समय ऐसा था इंडियन पॉलिटिक्स में कि आरोप लगता था तो इस्तीफा देते थे, फिर हुआ कि चार सीट होगा तो इस्तीफा देंगे, फिर हो गया कि चार्ज फ्रेम होंगे तब इस्तीफा देंगे, अब तो हो गया कि कन्विक्ट होंगे तब इस्तीफा देंगे। तो वो जो जैन हवाला कांड से लेकर भारतीय राजनीति यहाँ तक पहुँच गई है। मेरा मानना है बीजेपी का क्लियर स्टैंड है और देश उसको समझ रहा है कि अगर हमको सत्ता की चाबी मिलती है तो जनता का कल्याण करो। दिल्ली आज 25 साल से बिना भाजपा के चल रही है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं, आप भी हमसे पूछ सकते हैं कि मनोज 25 साल से भाजपा हार रही है, मगर मैं हाथ जोड़ के पूछूंगा, क्या 25 साल में दिल्ली जीत गई? आज दिल्ली को जो झेलना पड़ रहा है, दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर में है और NDTV पे भी इसको बताया जाता है, इसके कारण भी दिल्ली की यमुना 1500 किलोमीटर में सबसे ज़्यादा ये 28 किलोमीटर सबसे प्रदूषित हैं। दिल्ली के अंदर बुजुर्गों का अब 60 साल होने पे 2018 के बाद से पेंशन नहीं मिलता। दिल्ली के गरीबों को 9 साल से राशन कार्ड नहीं बना, जबकि 1.5 लाख राशन कार्डधारी अब संसार में नहीं है। लेकिन फिर भी आप जीत नहीं पा रहे असेंबली? हाँ, क्योंकि देखो 15 साल तो इस दिल्ली को कांग्रेस ने लूटा, उनको गाली देते हुए आम आदमी पार्टी आई। निश्चित रूप से MCD के कारण हमारी भी बहुत बदनामी हुई, रीजन सबको पता है, MCD भी अंडर दिल्ली गवर्नमेंट है। 10 साल जिसने गाली दिया, अब उसने भ्रमित किया और वो जाके मिल गया, अब जाकर के दिल्ली का भ्रम टूटा। यहाँ पर मनोज जी, अब क्योंकि आम आदमी पार्टी मिल गई है, कांग्रेस मिल गई है, तो 2014 और 19 का जो आपका रिजल्ट रहा है, सातों की सातों सीटें आपने दोनों बार दोनों ही उसमें जीती है, तो वो रिपीट कर पाना थोड़ा मुश्किल नहीं रहेगा? और आसान हो गया। कैसे?
इसलिए कि विपक्ष एक आरोप ये भी लगाता है आप लोगों पर कि आप जो है केंद्रीय जांच एजेंसियां, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईटी हो, एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो होती है विपक्षी पार्टियों को वो नहीं मिल पा रही है चुनाव में, खाते सीज कर दिए जा रहे हैं, जो छापे पड़ रहे हैं वो विपक्षी पार्टी के लोगों पर पड़ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा आरोप है आप लोगों पर। खाते सीज करने क्यों पड़ रहे हैं? क्योंकि आपके ऊपर केस है, और केस भारतीय जनता पार्टी चिल्ला सकती है चोर 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 चोर, देखो चोर, जांच करना, उसका समीक्षा करना और फिर उस पर जजमेंट करना, ये बीजेपी का काम नहीं, ये कोर्ट का काम है, जांच एजेंसी का काम। लेकिन इसमें एक सवाल ये आ रहा है मनोज, एक सवाल ये आ रहा है कि आप ये कह रहे हैं कि तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल सरकार नहीं चला सकते, ये क्या कारण है? क्योंकि संजय सिंह वो तो अनुभवी हैं, अभी 6 महीने रह करके आए, गए चला सकते, आते उन्होंने ये कहा कि सबसे नहीं बोला चला सकते हैं, उन्होंने कहा कि हाँ सारे नियम ऐसे जो अनुमति देते हैं। अभी दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना फैसला कर सकते हैं, वो कुछ नहीं बोलेंगे। यस, लीगल डोमेन में नहीं है ये। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि जेल से गैंग चला करते हैं, सरकार नहीं चल सकती। अगर चल सकती तो लालू जी को क्यों राबड़ी जी को बनाना पड़ता, अगर हेमंत सोरेन जी को क्यों अपने परिवार के किसी दूसरे सदस्य को लाना पड़ता। मेरा मानना है, हमारा इतिहास तो आप सब तो सब जानते हैं, एक उसका संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें जेल में रह रहा व्यक्ति सरकार का मुखिया नहीं हो सकता। अरविंद केजरीवाल चूंकि संविधान को मानते नहीं इसलिए वो इसमें भिड़े पड़े हैं, वो एक डिक्टेटर है। अरविंद केजरीवाल इज अ डिक्टेटर प्लस करप्ट प्लस लायर। नहीं मनोज जी, संविधान में ऐसा नहीं लिखा है कि आप जेल से नहीं चला सकते, वही मैंने कहा ना, पहले चार्ज आरोप लगने पे इस्तीफा होता था, अब कहते हैं कन्विक्ट होने पे इस्तीफा होगा। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आपके तो एलजी, आप सरकार बर्खास्त कर दीजिए। दिल्ली में दिक्कत ये हो गई है कि केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी, केजरीवाल भी, दोनों इस बात पे कि पलक पहले कौन झपकाता है, हु ब्लिंक फर्स्ट। आप कर दीजिए बर्खास्त, आप अपना सेंटर का रूल लागू कर दीजिए। लग रहा है कि अगर बर्खास्त कर देंगे तो सहानुभूति मिल जाएगी, यही तो सीधी सी बात है। अब करप्ट और करप्शन के खिलाफ एक्शन लेने में कम से कम हम ये नहीं सोचते कि सहानुभूति मिलेगी कि नहीं मिलेगी। ये हमारा विश्वास है कि देश करप्शन और करप्ट लोगों के खिलाफ है, बस उसको पता चलना चाहिए। और अब ये पता चल चुका है, क्योंकि जिसको अपना मोबाइल नहीं याद है कि कहाँ है, जिसको मोबाइल का पासवर्ड नहीं याद है, ऐसा हो सकता लेकिन है। मनोज जी, एक परसेप्शन भी तो सेट हो रहा है ना कि अगर कोई केस है तो भाजपा में चले जाइए, या वो बैक बर्नर पे केस चला जाएगा, या कुछ महीनों के बाद वो केस बंद हो जाएगा। ये बहुत अच्छा डेटा भी एक पब्लिक डोमेन में अब आ गया है, बहुत सारी एजेंसीज हैं। आप मुझे बता दें, कोई एक ऐसा भाजपा का नेता हो या एनडीए का कोई अलाय हो जिसके खिलाफ ईडी या सीबीआई की जांच चल रही है? बहुतों के साथ चल रहा है। जैसे आपने एक एग्जांपल लीजिए, एक टीएमसी से मुकुल राय जी आए थे, क्या उनका केस बंद हुआ? आए गए। नहीं, तो क्या केस बंद हुआ? तो वो तो चले गए उसके बाद। नहीं, तो भी आए तो भी केस नहीं बंद हुआ, स्लो हो गया, अरेस्ट होने वाला था, बैक बर्नर पे रख दिया ना, इन्होंने कहा कि भाई अभी जांच नहीं करते हैं, अभी आप आराम से रहिए, ऐसा नैरेटिव बनाया जाता है, पर ऐसा है नहीं। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ईडी हो, सीबीआई हो, इनको फुल हैंड है। अगर आप समझते हो कि यहाँ आप बिल्कुल सही हो तो गो अहेड, आपको हम नहीं इंस्ट्रक्ट करेंगे, ये पॉलिसी है। पहले तो बहुत दुरुपयोग किया गया है, और ऐसा थोड़ी है कि कहीं मान लो कि मनोज तिवारी कुछ ऐसा कर दे तो बच जाए, ऐसा नहीं। दो घटनाएं हुई अभी। एक हुआ कि कांग्रेस के सरकार, आयकर विभाग ने, सरकार ने कोर्ट में कहा कि खाते डी फ्रीज किए जा रहे हैं, चुनाव के बाद देखेंगे। एक दूसरा, ईडी ने संजय सिंह का विरोध नहीं किया जमानत, जब अदालत ने पूछा जमानत दे दें, ईडी को बोला दे दीजिए। क्या कोई परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी को लगा कि यहाँ पे थोड़ा पिछड़ रहे हैं, इसलिए बीजेपी ने ये कोर्स करेक्शन किया? परसेप्शन बनाना होता तो अरविंद केजरीवाल के साथ बनाता कोई ना। ये संजय सिंह जैसे ये छोटे छोटे लोग, इन लोगों का कोई मतलब नहीं, ये लोग तो प्यादे हैं किसी के। चीफ कौन है? वो है अरविंद केजरीवाल। किंग पिन कौन है? वो है अरविंद केजरीवाल। अब यही तो बात है कि कानून अपना काम कर रहा है ना। संजय सिंह जी का बिल अरविंद केजरीवाल और उनके जैसे लोगों की जोरदार तमाचा है गाल पे। कानून काम कर रहा है, कैसे बिल मिल गया? आप कहते तो भाजपा बिल दे रही है, भाजपा जेल दे रही है, भाजपा आपके भ्रष्टाचार उजागर कर रही है और विनम्रता से कर रही है, क्योंकि दिल्ली आंसुओं में डूबी है। हम आपको अगर अभी चलेंगे ना, हम लोग
हम दिल्ली की गलियों में चलेंगे, क्या 10 साल में दिल्ली के नाले नहीं ठीक हो सकते थे? सड़कें टूटी हो सकती हैं, प्रगति मैदान टनल छोड़ दीजिए, NH-24 छोड़ दीजिए, द्वारका एक्सप्रेस छोड़ दीजिए, 709 भी छोड़ दीजिए, धौला कुआं की रोड छोड़ दीजिए, जो केंद्र सरकार की उसको छोड़ दीजिए, ईस्टर्न वेस्टर्न पेरीफेरी छोड़ दीजिए, मेट्रो छोड़ दीजिए, दिल्ली सरकार किधर है? 1.5 साल से तो MCD भी उनके पास है। मनोज जी, यहाँ एक सवाल ये भी है कि इस बार बीजेपी ने अपने 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए, ऐसा माना जा रहा है, एक इंटरनल सर्वे हुआ है बीजेपी का जिसमें कि आपके लिए एक अच्छा परसेप्शन निकल के आया है, जिसके तीसरी बार आपको रिपीट किया जा रहा है नॉर्थ ईस्ट सीट से, तो यहाँ 6 के 6 अगर कैंडिडेट अगर आप हटा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक एंटी इनकम्बेंसी, एक परफॉर्मेंस तो मुद्दा आप लोगों के सामने भी है। देखिए, ये आपको दूर से देखने में लगता है, हमारी पार्टी में अब हर कोई कार्यकर्ता है, देर इज़ नो VIP कल्चर। आप समझ रहे हैं मैं इतना दिन से हूँ तो फिर रहूँगा ही, हमें भी कहा जाता है कि तुम ये नहीं वो करो तो हम खुशी खुशी चले जाते। राजनीतिक संस्कृति भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी बदली है, और वो ये है कि कैबिनेट मिनिस्टर भी विधायक का चुनाव लड़ता है और बड़े आराम से जाते हैं। हमको फिर मौका मिला, थैंक यू मोदी जी, धन्यवाद। मैं इस पर आगे हम बात करेंगे, लेकिन ये जो संजय सिंह वाली जमानत वाली बात थी, इसी पर एक सवाल मेरा बनता कि आपने कहा कि देखिए ये तो अरविंद केजरीवाल के लिए एक सबक है कि वो कहते हैं कि कानून अपना काम नहीं कर रहा है, लेकिन यहाँ तो कर रहा है, जमानत मिल गई। लेकिन इसमें एक ये भी लोग शरारत के तौर पर बोलते हैं कि ये तो बीजेपी ने या ईडी ने इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के जाने के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा उसको लेकर के चल रहा है, आपस में उनमें कई तरह की खींचतान हो रही है। यहाँ पर आप जानते हैं कि राघव चड्ढा नहीं है, वो चले गए विदेश में ही है, विदेश में चले गए, और दूसरी बातें तरह तरह की हो रही है, लंबा ऑपरेशन चल रहा है राघव जी का। बिल्कुल, तो यही तो बीजेपी का क्या ऑपरेशन चल रहा है, बीजेपी क्या करना चाहती है उसमें, क्या संजय सिंह को छोड़ करके आप थोड़ा और भ्रम फैलाना चाहते हैं आम आदमी पार्टी में? देखिए, संजय सिंह एक बहुत ही संस्कारहीन व्यक्ति है, उनकी भाषा सुनिए, आज भी जो वो जो भाषा बोले हैं आपको लगता है कि उसके उस भाषा के बाद वो कहीं से कोई समझ सकता है कि ये सोच समझ के बोलते भी हैं? आप देश के प्रधानमंत्री के लिए क्या क्या शब्द बोलते हैं, आप सदन में क्या व्यवहार करते हैं, आपको सस्पेंड करना पड़ता है सदन के अध्यक्ष को। तो अभी क्या है कि ये लोग, एक बड़ा हमको हंसी आ रही है कि ये बेल को रिहाई समझते हैं। इस देश में मैं आपको 50,000 ऐसे एग्जाम्पल दे दूंगा लिख के अगले 10 दिन में, जहां बेल होने के बाद भी आजीवन कारावास की सजा हुई है। आप सब छोड़ दीजिए ना, क्या लालू जी बेल पे नहीं आते होते थे? NDTV से ज़्यादा कौन जानता है, तो उनको सजा नहीं हुई क्या? आप कानून का मजाक मत उड़ाइए, आपको आप अगर बेगुनाह हैं तो थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है, आपको कोई दोषी नहीं सिद्ध कर सकता, लेकिन अगर आप दोषी हैं तो ऊंचा बोलने से, गाली देने से आपको कोई छोड़ नहीं सकता। लेकिन वो कह रहे कि जमानत मिलने का मतलब ये है कि कोई सबूत नहीं मिला ईडी को, ये जानबूझ करके उनके क्या बात करते हैं आप, कम से कम अखिलेश जी तो ऐसा नहीं, नहीं कह रहा हूं, वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी, वो तो कहेंगे, वो हम तो कह रहे हैं वो बेल मतलब समझते हैं कि मेरी रिहाई हो गई। कोर्ट ने कहा है मनी ट्रेल है, कहां पूछा है सवाल, PMLA के तहत उनको जमानत मिली ना, PMLA के तहत जमानत मिली, उनको सशर्त जमानत दी है, विद कंडीशन जमानत दी है, लोकेशन ऑन करके रखना पड़ेगा, हाँ सब कुछ, इसका मतलब यू आर सस्पेक्टेड, यू आर इन दिस लीकर केस, और आपको बहुत सारी चीजें बचा के करनी है, तो अब उसका देखिए चलने दीजिए। लेकिन मनोज जी ये बताएं कि एक छोटी सी पार्टी है जो अभी यंगेस्ट पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है हिंदुस्तान की, उससे आप लोग को इतना खफा क्यों है? इसका एक ही सांसद है बेचारा, वो भी इधर उधर चला जाता है, यंगेस्ट छोड़ गया ना, वही तो यंगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी है, उसको भी आपने खा लिया एक सांसद, क्यों इतना आप लोग परेशान हो जाते हैं? पार्टी के साथ यंगेस्ट प्लस मोस्ट करप्ट, जितनी एज है उनकी उतने दिन में इतना बड़ा करप्ट तो संसार में कोई पार्टी नहीं हुई है, अपने बनने और बनने के एक उम्र में इतना करप्शन कर देना कि 4-4 लोग जेल में, 5वां-6ठे का नाम मुख्यमंत्री ने ले लिया और 7वां-8वां का नाम जिसका नाम लिया उसने ले लिया, अभी राघव चड्ढा जिस दिन PC करेंगे मैं ध्यान से देखूंगा ये किनका किनका नाम लेते हैं। ये ट्रेल देखिए, आप एक बात, जमानत तो मर्डर के केस में मिलता है तो केस थोड़ी खत्म होता है, मेरा मानना है ये लोग ऐसा करके अपने गुनाह को और सिद्ध कर रहे हैं।
बाकी जो भी होगा हम आज भी बोलेंगे आपको कि इस देश में कानून चलना चाहिए, इस देश में सत्य का अंत तक सूक्ष्मता से जांच होना चाहिए और किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलनी चाहिए और कोई दोषी बचना नहीं चाहिए। ये जो फेरिस्त आप बताने की लंबी होती जा रही है, तो क्या ये सब आपके हिसाब से वहीं पीछे पीछे फॉलो द लीडर वही डाल रहे हैं? जब अरविंद पहली पेशी में आए कोर्ट में, तब उन्होंने नहीं कहा कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज से विजय नायर मिलते थे। वो सात दिन तक कुछ तो चक्र चल रहा था, और चक्र क्या था अपनी मैं आपको बता सकता हूँ कि वो चाहते हैं सुनीता केजरीवाल जी को सीएम बनाना, आतिशी सौरभ भारद्वाज खुद बनना चाहते हैं, वो रोड़ा है। अरविंद केजरीवाल सात दिन में नई बात बनी तो जाते जाते जेल कह दिया ये आतिशी और सौरभ भारद्वाज से भी मिलते थे विजय नायर। मतलब सीधा है कि हम तो जाएंगे सनम, इनको भी लेके जाएंगे। बस सुनीता केजरीवाल प्योर है। सुनीता केजरीवाल जी क्या है हम कुछ नहीं बोलना चाहते, लेकिन सुनीता केजरीवाल जी उसी राजमहल में रहती हैं जिस राजमहल पे घोटाले का आरोप चल रहा है। लेकिन इतने सारे केसेस सब आम आदमी पार्टी और पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, और वही मेरा फिर से सवाल होगा, आम आदमी पार्टी आपको इतना परेशान क्यों कर रही है? नहीं, आम आदमी पार्टी हमको नहीं, दिल्ली को परेशान कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन आप दिल्ली की जनता को कन्विंस, अगर आप अपने घर का नल खोलें और नल में गटर का पानी आने लगे आप खुश होंगे? आप अपने घर में जाएं और टॉयलेट का पानी आपकी सड़क पे रहेगा आप खुश होंगे? आपके माता पिता 60 साल के होते हैं और दिल्ली में रहने के कारण उनका पेंशन नहीं होगा आप खुश होंगे? आप गरीब हैं, आपको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं हम अगले 5 साल तक आपको फ्री राशन देंगे और राशन कार्ड न बनाए लोकल गवर्नमेंट, क्या आप खुश होंगे? ये सब तो चुनाव के मुद्दे, लेकिन आपने जवाब नहीं दिया क्यों परेशान है, क्या यही और उसका भी जवाब नहीं दिया कि 6 टिकट क्यों काटे गए? नहीं, हम 7 में से 6 7 में से 6 क्यों बदले गए कैंडिडेट? वो इसलिए उनको दूसरा काम दिया गया। प्रवेश वर्मा अभी एक स्टेट के सह प्रभारी बन गए हैं, बहुत बड़ा सांसद से बड़ा पद है। रमेश विधोड़ी उत्तर प्रदेश के सह प्रभारी, सांसद से बड़ा पद तो कैबिनेट मिनिस्टर का होता है। नहीं, प्रभारी सह प्रभारी सांसद से हमारे संगठन में बड़े हैं। नहीं, पर 6 गए, आप बच गए, आप इसके पीछे क्या चल रहा है वो बताइए। थैंक यू मोदी जी, क्या बोल रहा है, अंदर की कहानी बता दे, बैकग्राउंड स्टोरी बताइए। हमारे यहाँ ये तो मैंने कहा इसमें हम कुछ स्टोरी नहीं जानते। नहीं, पर इसमें ये भी तो कारण है। थैंक यू पार्टी, थैंक यू बीजेपी। नगर निगम के चुनाव में आपके यहाँ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो प्रदर्शन था वो बाकी तुलना में कहें तो अच्छा रहा, ये भी एक फैक्टर रहा आपके हिसाब से? नहीं देखिए, हम चूंकि हम इसकी समीक्षा इसलिए नहीं करना चाहते, वो पार्टी करती है, हम तो एक कार्यकर्ता हैं। हम रोज 10 से 12 मीटिंग करते हैं, लोगों के पास जाते हैं। हम 3650 दिन में केवल 543 दिन अपने लिए यूज किए हैं, बाकी 3150 दिन हम या तो पार्टी के लिए काम किए हैं और नहीं तो अपने क्षेत्र में रहे हैं। हमारा ये 543 दिन कहाँ थे? 543 दिन कहीं गाना की शूटिंग कर लिए, कहीं टीवी कर लिए, कहीं प्रोग्राम करने गए थे। हमारा सोर्स ऑफ इनकम तो हमारा गाना है ना, गाने पे तो हम आएंगे। पॉलिटिकल ये जो रास्ता है, हम अरविंद केजरीवाल नहीं है, हमारा सोर्स ऑफ इनकम निश्चित है और हमें उस पर गर्व है। मनोज जी, कुछ दिल्ली बीजेपी पे बात कर लेते हैं। क्या आपको जो विधानसभा नहीं जीत पा रहे हैं, म्यूनसिपलिटी हार रहे हैं, क्या बीजेपी दिल्ली बीजेपी में दिक्कत क्या है? कोई लीडरशिप उभर के सामने क्यों नहीं आया? आप भी अध्यक्ष रहे, क्या दिक्कत है? नहीं, हम अध्यक्ष थे तो हम जीते थे। हाँ, हम तो एमसीडी भी जीते थे। उसके वही अरविंद केजरीवाल जी जो 70 में 67 सीट जीते थे, मैं जैसे अध्यक्ष बना उनको 272 पार्षदों में 67 पार्षद नहीं मिला। तो आपके बाद जो अध्यक्ष उन्होंने काम नहीं किया। देखिए, सिचुएशंस होती हैं, हम ये कैसे कह सकते हैं, वो काम हम भी तो साथ में थे ही, इसलिए हम ये नहीं कर सकते। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, सबका इमेज एक जैसा नहीं होता। क्या खुराना और साहब सिंह वर्मा के बाद कोई लोकल लीडरशिप दिल्ली बीजेपी इवॉल्व नहीं कर पाई, ये बड़ा सा आरोप। सारे एक्सपेरिमेंट करके 2025 में हो जाएगा। नहीं, 2025 में अब दिल्ली जो है ना, आपको बताऊं इस टेबल पे कि दिल्ली 15 साल कांग्रेस के झांसे में रही, कांग्रेस को ही तो गाली देता हुआ आम आदमी पार्टी आया था ना, हम थोड़ी थे उस समय साहेब। और आज
अगर मैं अपना मोबाइल ऐसे एक बार करूं और मोबाइल को ऐसे करके लगाऊं, जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो। आप पूरी तैयारी, आपका यही आता है, कॉलर ट्यून तो नहीं बना लिया आपने सर? कॉलर ट्यून है। अब आप बताइए सर, जांच करानी है, सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, दो दिन उसका इंटरोगेशन करो। तो ये रामलीला मैदान पे जो रैली हुई थी, इसमें कि सुनीता जी सोनिया गांधी जी के बगल में बैठी हुई थी, तो आपने बजाया नहीं? तब आपने नहीं बजाया? तब से बजा रहा हूँ, तब से बजा रहा हूँ। और जो जो सुन रहा है ना, देखिए कई बार ना हमको आए दिन आपाधापी में चीज़ें भूल जाती हैं। अब इस व्यक्ति, हम अगर सोनिया गांधी जी हमारी विरोधी पार्टी से हैं, अपोनेंट हैं, लेकिन मैं जी नहीं छोड़ सकता। हमसे हमारे संस्कार में जी निकलेगा ही। सोनिया गांधी जी जमानत पे हैं, सोनिया गांधी जी करप्शन में लिप्त हैं, राहुल गांधी जी, ये तो जी भी नहीं लगाता है अब व्यक्ति। अगर हम अरविंद भी कहें, हम अरविंद केजरीवाल के जी लग ही जाता है मेरा, स्वाभाविक बीजेपी का। शायद अब लगाना शुरू कर दिया हो। अब संजय सिंह जी की भाषा सुन लीजिए, ऐसा मुझे लगा ही, पता नहीं चला कि तिहाड़ से आए हैं कि आगरा से आए हैं। अब ध्यान से सुनिए उनको, अरे भाई ये जो दोगलापन है कि सोनिया गांधी को, आई एम कोटिंग अरविंद केजरीवाल, कि सोनिया गांधी को गिरफ्तार करो, दो दिन में पता चल जाएगा कहां कहां पैसा रखी है, अचानक चरणों में लेट गए, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो सोनिया माता कहते हुए लेट गई उनकी पत्नी, क्या है सर? तो जो रैली हुई, आप क्या समझते हैं कि आंखें नहीं है, कि कान नहीं है, सब है। हाँ, भ्रमित हुई है दिल्ली, आपका सवाल सही है कि हम नहीं जीत पाए, लेकिन बीजेपी के हारने में दिल्ली की हार हुई है। आप अगर द्वारका एक्सप्रेस बना सकते हैं तो द्वारका एक्सप्रेस के बगल की गली नहीं बना सकते, सड़क नहीं बना सकते। 1-5 साल हमको जब 2025 में मिलेगा नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते, हम दिल्ली को प्रदूषण मुक्त भी करेंगे। दिल्ली की यमुना जी वन ऑफ द बेस्ट प्लेस होंगी शाम को सुबह जाने के लिए अपनी गाड़ी पे साइकिल रख के, और दिल्ली को नलियों से, गलियों से, बुजुर्गों के पेंशन से, और एक्स्ट्रा हर महिला को 1,000 रुपया महीना से हम देते हैं सर। हम छत्तीसगढ़ में दे रहे हैं, हम मध्य प्रदेश में लाडली बहनों को 2,500 रुपया दे रहे हैं। दिल्ली के बच्चियों को क्यों नहीं मिलना चाहिए, हमारी बहनों को क्यों नहीं मिलना चाहिए? अब तो अरविंद केजरीवाल के पास कुछ पावर भी नहीं है, सारे सर्विसेज भी लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हैं। दिल्ली में जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ पावर रहता है, तो आप ये सब जो आपके प्लान्स हैं आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। एलजी के पास सिर्फ पावर है करप्शन को रोकने की, करप्शन को पकड़ने की, रोकने की भी नहीं है, पकड़ने की है। वो काम कर रहे हैं। 73,000 करोड़ का चाबी अरविंद केजरीवाल के पास है। मेरा सवाल है, ये इतने आपकी केंद्र में सरकार है एलजी साहब, आपने आप सरकार बर्खास्त करके केंद्र का शासन क्यों नहीं कर लेते हैं, सारे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। नहीं, संवैधानिक विशेषज्ञ उस पर बात कर रहे हैं, आई कांट कमेंट ऑन दैट। जो संविधान कहेगा, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने बड़ा सोच समझ के लिखा है, और हम समझते हैं कि किसी के जिद और किसी की निरंकुशता, किसी की डिक्टेटरशिप, अरविंद केजरीवाल इज अ डिक्टेटर। नहीं, क्या राजनीतिक रूप से आप इस बात से डर जाते हैं कि इसकी सरकार बर्खास्त करेंगे तो सहानुभूति मिल जाएगी, इसलिए नहीं कर रहे हैं? हम उस प्रक्रिया में पास तो है, नहीं अवेलेबल है। इसी से जुड़ा एक प्रश्न ये भी कि जो रैली हुई रामलीला मैदान पर, जहाँ पर तमाम इंडिया गठबंधन के नेता वहाँ पर मौजूद थे, इसके बाद आम आदमी पार्टी गली मोहल्लों में यहाँ पर प्रदर्शन कर रही है, तो आपको लग रहा है कि केजरीवाल के अंदर जाने से सहानुभूति मिल सकती है? और जो चुनाव हो रहा है लोकसभा का, मैं रात में टॉर्च लेके और दिन में आंखों में चश्मा लगा के ढूंढ रहा हूँ किधर आदमी प्रदर्शन कर रहा है, किधर औरत प्रदर्शन कर रही है। हमने जहाँ जहाँ, जब से वो गिरफ्तार हुए अरविंद केजरीवाल जी, मैं जहाँ जहाँ स्पीच दिया हूँ, जैसे ही कि अरे वो दिल्ली की एक व्यक्ति तो जेल हो गए, बहुत ताली बज रही है, और जो शब्द बोल रहे हैं मार, वो हम शब्द बोल नहीं सकते आपसे। बस जा रही थी ना कोर्ट से, बस गई तिहाड़ जेल तक, आपके कैमरे पीछे पीछे चल रहे थे, कितने लोग रास्ते में खड़े थे सर,
कितने लोग खड़े थे, कहाँ खड़े थे। मनोज जी, आप संविधान का जिक्र कर रहे थे, एक हाल ही में आपके एक सांसद ने संविधान को लेकर जो है बयान भी दिया है कि 400 पार की अगर बात कर रहे हैं, अगर संविधान में बदलाव करना है तो 400 पार आए, ये बयान आप ही के एक सांसद के द्वारा दिया गया, तो लोगों के दिमाग में डर भी है, विपक्ष भी इस बात को कह रहा है कि संविधान में बदलाव करना है तो 400 पार ये नहीं है, 400 से ज्यादा सीट चाहिए होंगी। विपक्ष इस तरह का एक परसेप्शन भी बना रहा है, वो जो बयान आया है उसके बाद से तो लोगों के दिमाग में ये भी आ गया है कि अगर इतनी सीटें आ जाएंगी, एक तरफा एक जो है पार्टी इतनी ही ले जाएगी तो संविधान में बदलाव करना आसान होगा, इसको लेकर भी बहुत एक लोगों के कंफ्यूजन है, एक भ्रम है। इस देश में अभी तक विपक्ष ने कोई काम नहीं किया, सिर्फ भ्रम फैलाया। संविधान में 126 के आसपास संशोधन हो चुके हैं, कोई संविधान ऐसे बदल नहीं सकता कि ये हटाओ और ये रख दो। संवैधानिक संशोधन होते हैं, हमने भी अपने सांसद रहते हुए हम लोगों ने बहुत किए, लेकिन हमसे पहले भी करीब 120 के आसपास संशोधन इस देश में हो चुके हैं। इसलिए कोई ये कह रहा है कि हम 400 प्लस आएंगे तो हम संविधान बदल सकते हैं, ये सरासर इस देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास है। इससे कुछ नहीं होता है, आपको राज्यसभा में बहुमत चाहिए, आपको लोकसभा में बहुमत चाहिए, तभी आप कुछ प्रयास जो आपके बिल आते हैं वो पास होते हैं। कई ऐसे बिल हैं जो लोकसभा से ही पास हो जाते हैं, कई राज्यसभा में जाते हैं, और हम उस प्रक्रिया को पालन करने में विश्वास रखते हैं। एक सवाल, चूंकि आप बार बार दिल्ली के मुद्दों की बात कर रहे हैं, तो वैसे तो काफ़ी समय अरविंद केजरीवाल को यहाँ पर सरकार चलाते हुए हो चुका है, केजरीवाल की गारंटी, वो जो कहते थे गारंटी शब्द का इस्तेमाल भी वो करते थे, आपको लगता है कि वो उनके फेवर में काम करता है जिसके चलते बार बार दिल्ली की जनता उनको सपोर्ट करती है? देखिए, दिल्ली की जनता ने बार बार उनको सपोर्ट नहीं किया, यही तो एक नैरेटिव फैलाया जाता है। मैं 2014 में आया, उसके पहले 2013 चुनाव हुआ था, तब 2013 में उन्होंने जो बच्चों की झूठी कसम खाई थी उसको तोड़ते हुए कांग्रेस के साथ सरकार बनाई, उनको नहीं था, 32 सीट भाजपा को थी, 28 मात्र उनको थी, 49 दिन की सरकार छोड़ के भाग गए। उन्होंने 2014 का चुनाव लड़ा, कितनी सीट मिली? एक भी सीट नहीं मिली, वो खुद हारे, चुनाव जमानत जब्त हुई उनकी बनारस से। फिर 2015 का चुनाव वो जीत गए, 2017 में फिर MCD हुआ, वो नहीं जीते, हम बुरी तरह उनको हराए, बुरी तरह हराए मात्र 2.5 साल बाद। फिर उसके बाद 19 का चुनाव हुआ, हम दिल्ली में 56% वोट शेयर के साथ दोबारा सांसद सातों बने हम लोग। इसलिए ये मत कहिए कि वो लगातार जीतते हैं। उसके बाद फिर विधानसभा हुआ, हाँ फिर विधानसभा हुआ और वो जीत गए, उसके बाद फिर MCD हुआ। विधानसभा जो जीते ना उसमें उनके वोटों में गिरावट आई, पर MCD भी जीते, उसके बाद फिर MCD हुआ, पूरी कर लेते हैं ना। उसके बाद हम तो चाहते थे कि वो MCD एकदम 1/3 मार्जिन से जीते, लेकिन पता नहीं कैसे भाजपा को 104 सीट आ गई। और उसके बाद आप ये मानते हैं कि उसके बाद एक और सवाल है, उसके बाद 2024 आया और 7 में से 6 सांसद बदल दिया आपने। हम तो देखो भैया, आज हम एक बहुत विस्फोटक आपको बात जरूर बताइए, इंतजार कर रहे हैं। हम चुनाव जरूर लड़ रहे थे MCD का, पता नहीं क्या सोचेंगे लोग, लेकिन हम लड़ रहे थे। लेकिन हम तो मन में एक भाव हमारा ये भी था कि इसको मिल जाए MCD। मैं वही पूछ रहा था, ताकि ये ना, ये जो रोज दोषारोपण करते हैं MCD नहीं करने दे रहे, हम कहे भैया दोनों ले लो और जरा दिल्ली को ठीक करके दिखाओ। मैं आज आपसे बात कर रहा हूं उनकी MCD बनने के लगभग 2.5 साल बाद। अब अरविंद केजरीवाल कोई बहाना नहीं कर सकते सर, MCD वास्तव में, MCD के प्रति बहुत भ्रम था लोगों का। मैंने 5 साल में अध्यक्ष था, कोशिश तो, लेकिन आपने भी की, आपका मेयर बने, यहाँ भी की, चंडीगढ़ में भी की, कोशिश तो आप करते रहे। नहीं, कोशिश वोशिश तो 104 सीट आ गई तब, उसके बाद भी, लेकिन हम आज इतना कहना चाहते हैं कि आज हम खुश हैं कि MCD उनके पास है, दिल्ली सरकार उनके पास है, और उसके बाद भी दिल्ली नारकीय स्थिति में है। He is responsible. He has to reply. मनोज जी, एक सबसे पहले अब चुनाव आ गए हैं, 19 से 7 चरणों में चुनाव है, मुद्दे आप लोगों के क्या रहेंगे, क्योंकि राम मंदिर हो गया, 370 हो गया, किन मुद्दों को लेकर अब जनता के बीच आप जा रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा कल परसों रुद्रपुर में प्रधानमंत्री जी ने एक पंक्ति कही है, और वो पंक्ति है
कि 10 साल में जो हमने काम किए हैं वो सारा विकास एक ट्रेलर है। देश के विकास की असली कहानी हमको अगले 5 से 10 साल में लिखनी है। मैं समझता हूँ ये 10 साल का सबसे इम्पोर्टेंट बयान है, क्योंकि अगर मैं गिनाने शुरू करूँ कि 4,28,00,000 को बेघर को घर मिल गया, 13 करोड़ को इज्जत घर मिल गया, 12 करोड़ के घर में गैस कनेक्शन हो गया, 48 करोड़ को पहली बार बैंक में खाता खुल गया, हमारे देश के 55 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपया फ्री इलाज मिलता है, इतनी सारी बातें बताने के बाद भी अगर प्रधानमंत्री इतने विश्वास कमाने के बाद बोलते हैं कि सुनो अभी ये 10 साल वाला तो ट्रेलर है, तो ये देश विश्वास करता है भैया? मैं अपने क्षेत्र में 14,700 करोड़ का काम कराया हूँ मारिया जी। भैया आप तो 14 में ही मेरे पास गए थे, आपका एक डायलॉग मुझे याद है, आपने मुझे कहा था कैसे करोगे, हमने कहा मोदी जी करेंगे, तो आप हंसे थे कि अरे आप बताओ, क्योंकि तब यही था कि सांसद करेगा। सांसद तब कर सकता है जब नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री हो। हम 14,700 करोड़ रुपए लाए हैं अपने क्षेत्र में, हमारे यहाँ ट्रिपल डेकर मेट्रो बन रही है, सड़क के ऊपर फ्लाईओवर, फ्लाईओवर के ऊपर मेट्रो, हमारे क्षेत्र के लोग देखे ही नहीं थे ऐसे देखते रहते हैं। हमारे सबसे लॉन्गेस्ट एलिवेटेड रोड हमारे क्षेत्र में बन रही है, जिससे आप सहारनपुर जाएंगे देहरादून दिल्ली से 2.5 घंटे में जाएंगे। वी हैव क्रिएटेड, हमारे क्षेत्र में सेंट्रल स्कूल नहीं था, पहली बार हमने बना लिया, अब 3 बन रहे हैं। आज वहाँ एडमिशन के लिए 1,000-1,000 लोगों का फॉर्म के लिए लाइन लगा हुआ है। हम रिवर फ्रंट पहली बार बना रहे हैं, दिल्ली क्या पहले नहीं थी, क्या दिल्ली में सरकार नहीं थी? सब मोदी जी के आने के बाद क्या हुआ? शास्त्री पार्क का चौराहा आपके एम्स चौराहे से जरा भी कम नहीं दिखेगा हमारा। तो हम ये सब कुछ कर इसलिए पाए, विश्वास है मुझे कि ये 10 साल का अगर ट्रेलर है ना, तो इस देश का हर बच्चा बच्चा अपने माता पिता से कहेगा मम्मी पापा फिर एक बार मोदी सरकार। लेकिन जो कांग्रेस और आप साथ आ गए हैं, क्योंकि पिछली बार तो आपने कहा 56% वोट मिला 19 में आपको, लेकिन अब वो दोनों साथ आके लड़ रहे हैं आपसे, 4 सीटें आम आदमी पार्टी, 3 कांग्रेस, तो क्या आपको लगता नहीं इससे चुनौती आएगी? देखिए हमारे ना एक गांव में कहावत होता है कि मूस मोटई हैं लोढ़ा हुई हैं एक कहावत है चूहा, अरे भाई हाँ छोड़ दो। अभी क्या है, हम 56% वोट शेयर के साथ थे, उनका दोनों का जोड़ दीजिए तो 41% हुआ, और अब दोनों के मिलने के बाद धड़ाधड़ आम आदमी पार्टी की भाजपा ज्वाइनिंग हो रही है, धड़ाधड़ कांग्रेस की ज्वाइनिंग हो रही है। यही सवाल है मेरा मनोज जी, आपके पार्टी में बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को अब ये लग रहा है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं उनको सब, किसी को सांसद का टिकट मिल रहा है, कोई राज्यसभा जा रहे हैं, तो उन आपके अपने लोग एक फील कर रहे हैं ना कि बाहर के लोगों की ज्यादा कदर हो रही है, कि पार्टी हमने बनाई मलाई वो खा रहे हैं। देश की बड़ी खुशियों का हो गया मुहूर्त है, और तीसरी बार फिर से हमें मोदी की जरूरत है, क्यों मन उसका साफ है, कर रहा इंसाफ है, ज्वाइनिंग की भीड़ लगी है क्योंकि हो रहा विकास है, दिल्ली के बदहाल स्थिति को बदलने के लिए मोदी की जरूरत है, सिंगल नहीं आगे डबल इंजन की जरूरत, और हम करके देंगे, यस वी कैन सर। लेकिन मारिया की बात का आपने जवाब नहीं दिया कि आपके अपने ही लोगों को टिकट ना मिलके बाहरी लोगों को अगर टिकट मिलती है तो कहीं ना कहीं लगता है कि नाराजगी तो रहेगी ना। हर दिन ज्वाइनिंग हो रही है, एमिनेंट पर्सनालिटीज ज्वाइनिंग बीजेपी, हम लोग को मैसेज आता है, और हर ज्वाइनिंग भाजपा के लोग ही ले जाके करते हैं। चलिए 3 सवाल अब भोजपुरी में बतिया लेते हैं थोड़ा, बहुत सारा भोजपुरी। कहा हाल बा मनोज भैया, कैसे चलत बा? बड़ी नीमन बच्चा का चक सर, इलेक्शन कैसे चलत बा? बढ़िया बाटी, बहुत अच्छा बाटी, लोगन के बहुत प्यार मिलता, और दूसरे पार्टी के लोग बुला के चाय पिया होता कि चिंता मत कर अब तू ही, हमनी के बड़ा धोखा मिलल बा। तो कौन कौन सा मुद्दा उठत बा? देखिए हमनी के क्षेत्र की बात करते नहीं ना, देखिए हमनी के क्षेत्र में हम जितना मैनिफेस्टो बनौले रहनी हैं वो कुल लगभग पूरा हो गई बाटे, अब नया मुद्दा बाटे हमें गामड़ी रोड
चौड़ी करना है, सोनिया विहार पुस्ता को डबल करना है, गोकुलपुर मेट्रो के नीचे की सड़क को अच्छी करनी है और मुकुंदपुर में 33 एकड़ में खेल मैदान पार्क ये सब बनाना है और डबल इंजन मिल गया तो फिर गलियों को भी चमकाना है। तो एक गाना सुना था, एक गाना भोजपुरी में, अच्छा हाँ, गांव के सिवा नवा से खेत खरिहनवा ना ही भुलाला घर जवार, ए भैया हो गौआ बोलावेला हमार। यो गाना बा, बाड़ी शेर पर सवार रूपवा मनवा मोहत बा, सब हुए रुपये के खेल सेल अदमी के लगल बा। हो जिया हो बिहार के लाला, जिया तू हजार साला, जिया तू हजार तनी नाची के तनी गाई के तनी नाची गाई सबके मन बहलावा, ये भैया भैया अपने कर्म से अपने देश के मान बढ़ावा, ये भैया। एक लास्ट का सवाल, एगो कावा गावे वाली लड़की तोरा पीछे पड़ल बा, का कहबा रोवा के खिलाफ बारी? हाँ, हाँ, हमरा कोई बात नहीं, राजनीतिक है भोजपुरी में, भोजपुरी में कावा गाए गावे वाली लड़की, हाँ, बहुत तो, पीछन पड़ल बा। ये कावा जो है ना, ये गाना है मनोज वाजपेयी जी का, मनोज वाजपेयी जी गौले रहना, अनुभव सिन्हा जी एकरा के लिखले हुआ, नहीं डायरेक्ट केले हुआ, लिखले है एगो सागर बलिया के लड़का, ओकर लोग कई लोग नकल कैले बाटे, कुछ नकलची लोग, तो बिहारों में नकल भइल, यूपीओ में नकल भइल और बिहार और यूपी के लोग खूब रगड़ के जवाब देले, तो कोई बात नहीं सब। वो हमारे एगो लड़की भी आ, नेहा ना, हाँ वो पॉलिटिकल गाना गावेली। तो आप इसका जवाब नहीं लोगे, भारत में काबा, भारत में काबा, पिछले 10 साल में भारत में काबा। देखिए ये गाना ना, जब भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई गाई, चाहे बिहार में तो मानते नहीं ठीक बैठे, बहुत चीज़ जैसे बड़े जन में बदलाव की आवश्यकता बा, लेकिन यूपी में जोगी बाबा जैसन कर दिले बड़े, ओकरे बादो कही का बा न, तो पब्लिक कही कि फिर तुहार कोनो अस्तित्व नहीं बा। और भारत में का बा अगर कोई आज कही, तो फिर ओके भारत के लोग ऐसे निकाल के हटा दी। तो ये एक चीज याद दिला दी रवा के, योगी जी के खिलाफ लड़ रहा था तू? हाँ लड़ा रहा नहीं हम, जीवन में कभी कभी एक्सीडेंट होला। मनोज तिवारी को दिल्ली पसंद है या दिल्ली को मनोज तिवारी? देखिए तीसरी बार जब हम लड़े ना, तो दिल्ली को तो दिल्ली मनोज तिवारी को बहुत पसंद है भाई, उसने ही हमें सांसद बनाया। लेकिन जो तीसरी बार सर्वे में 92% लोगों ने, हमारे क्षेत्र के लोगों ने कहा फिर से मनोज तिवारी, तो मैं नतमस्तक हो गया, मुझे लगा कि दिल में जगह है मनोज तिवारी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मजा आ गया। दो लाइनों में जाते हैं, अपने वोटर्स को कह दीजिए क्या कहना चाहते हैं। जनता ने उमड़ के बोला अब रंगले बसंती चोला, सड़क बनेगी पुल भी बनेगा होगा बम बम भोला, जनता ने उमड़ के बोला अब रंगले बसंती चोला चोला। लवली लवली लवली, बहुत बहुत शुक्रिया।